हे स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम स्टार्टर को असेंबल और डिसेंबल कैसे करेंगे, वो स्टेप हमने देख लिए थे। एक पॉइंट उसमें जो हमारा बच रहा था वो है कि हम नो लोड टेस्ट जो है स्टार्टर का वो कैसे करते। तो पहले समझिए नो लोड टेस्ट मतलब क्या होता है, कि उस टाइम जो है जो स्टार्टर होगा वो आपका एक्चुअल जो आपका इंजन है उससे कनेक्ट नहीं होता है। हम क्या करते हैं कि स्टार्टर को फ्रीली जो है सप्लाई जो है, ये आप देख रहे होंगे ये सर्किट है, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर और एमीटर कनेक्ट करते हुए, ठीक है, और हम सप्लाई देंगे बैटरी से और ये चेक करेंगे कि स्टार्टर जो है फ्री लोड में वो कितना जो है आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अब उसके लिए क्या होता है कि जस्ट आप सर्किट बनाइए और यहाँ से जो की है आप स्टार्ट करिए, और स्टार्ट करके क्या करेंगे, एक टैकोमीटर लगा होगा, टैकोमीटर आपको पता है आरपीएम को जो है वो रीड करता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि आप कितना करंट जा रहा है, कितना वोल्टेज है और आरपीएम कितना है, यहाँ से आप ये इसकी रीडिंग जो है लेके, ठीक है, और फ्री लोड पे यानी कि विदाउट लोड कंडीशन में जो है आप जो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होगा उससे देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि हमारा जो स्टार्टर है वो उस वैल्यू के कितना जो है आसपास है या नहीं है, ठीक है। तो इसी को जो है वो आप फ्री लोड टेस्ट या नो लोड टेस्ट जो है वो बोलते हैं। अब हम देखते हैं जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो है स्टार्टर के बारे में डिस्कशन जो है वो लॉन्ग डिस्कशन किया हुआ है, तो अब देखेंगे कि क्या क्या दिक्कतें जो है जनरली स्टार्टर में आती हैं और उनकी प्रॉब्लम रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं, प्रॉब्लम कारण क्या है और प्रॉब्लम उसकी जो है संभावित वो सोल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे कि पहला है कि स्टार्टर जो है वो आपके मोटर को, मोटर जो आपका इंजन होता है उसको स्टार्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम केस क्या हो गया कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो, ठीक है, मे भी बैटरी खराब हो, दोनों एक ही चीज़ें हैं, डिस्चार्ज होगी खराब होगी, दैट मीन्स कि वहाँ से आपको जो करंट है वो जनरेट नहीं हो रहा होगा। तो आप पहले अपने बैटरी को, कुछ लोग होता है बैटरी को सीधे स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं, तो वहाँ से आप बैटरी को चेक करिए। या प्रॉब्लम केस हो सकता है कि इंजन जो है काफ़ी लोड दे रहा हो, इंजन लोड दे रहा हो तभी तो आपका स्टार्टर जो है वो इंजन स्टार्ट नहीं कर पाएगा। बैटरी खराब होगी तब तो आपका स्टार्टर स्टार्ट ही नहीं होगा, है ना, आपकी की जो है वो क्या नाम है अटकेंगे और स्टार्टर से कोई आवाज़ ही नहीं आएगी, है ना। उस केस में क्या होगा कि यानी कि आपकी सप्लाई जो है वो कहीं खराब है, आप अपना सप्लाई या तो चेक करेंगे या तो फिर आप बैटरी चेक करेंगे। अगर आप तो सुनो, सबसे पहला स्टेप आप क्या होगा कि आप बैटरी ही चेक करेंगे, क्योंकि पहले आप देखेंगे कनेक्शन, तो आप सेकेंडरी देखेंगे जब आपकी बैटरी जो है वो फुली चार्ज होगी या सही से काम कर रही होगी। तो तीसरा केस क्या हो गया कि हमारा इंजन जो है वो जाम हो सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर बैटरी जो है डिस्चार्ज है तो उसको चार्ज करिए, बैटरी अगर ख़राब है तो नई बैटरी लगा लीजिए। अगर इंजन जाम है तो आप पहले क्या करिए, जो अलग से एक हैंडल दी हुई होती है स्टार्टर के अलावा भी मैनुअली स्टार्ट करने के लिए, आपको एक जो है शाफ्ट होता है इंजन में, तो वहाँ से आप क्या करिए, ट्राई करिए स्टार्ट करने का इंजन को। जनरली क्या करते हैं लोग, अगर हम जनरल केस में देखें तो गाड़ी को ढकेलते हैं, तो वो काम वही होता है, चाहे आप डायरेक्ट हैंडल से घुमा लीजिए चाहे आप धक्का लगा लीजिए गियर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, ये चांसेस हो सकते हैं कि मे बी आपके स्टार्टर में जो ब्रश लगा हुआ है वो ज़्यादा घिस गया हो या टूट गया हो। तो जब आप ये चीज़ें अगर आपको नहीं होती हैं तो आप कनेक्शन चेक कर लीजिए एक बार, और कनेक्शन चेक करने के बाद जब एश्योर हो जाइए कनेक्शन हमारा सही है, बैटरी हमारा सही है, इंजन नहीं जाम है, ये तीनों पॉइंट केस आपके हो जाए तो दैट मीन्स कि आपके स्टार्टर में कहीं प्रॉब्लम है। तो जैसे ही आपने देखा तो आप पहले अपने कार्बन ब्रश जो है वो चेक करिए कि कहीं ये ज़्यादा घिस नहीं गए हैं या टूट नहीं गए हैं। अगर है सही तो सही करिए, चेक करिए कि जो उनकी जो स्प्रिंग लगी होती है जो उनको क्या नाम है आगे कम्यूटेटर के अगेंस्ट में प्रेस करती है, वो स्प्रिंग सही से काम कर रही नहीं कर रही, टूटी तो नहीं है, या हो सकता है मे भी वो स्प्रिंग भी सही हो, आपका कम्यूटेटर ही गंदा हुआ हो, जल गया हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर कम्यूटेटर गंदा है तो आप जो है लेथ पे ले जाइए या साफ़ करिए उसको मैनुअली हैंड से साफ़ करिए डीजल वगैरह डाल के, अगर नहीं तो आप जो है वो उसको लेथ पे ले जाके और साफ़ करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपका सोलेनॉइड स्विच होती है वहाँ भी दिक्कत हो सकती है, तो सोलेनॉइड स्विच को भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, या मे भी हो सकता है ग्राउंड है शॉर्ट है, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। आर्मेचर भी शॉर्ट हो सकता है, ओपन अथवा शॉर्ट है, तो इसकी जांच आपको करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो आपका रेजिस्टेंस है अगर वो अधिक है आपको सर्किट में, जो ये सब प्रीवियस टेस्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जो भी रेजिस्टेंस है उसको भी आपको चेक
करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो ये कुछ जो है स्मॉल कॉज हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो चेक करने पड़ेंगे, जिससे कि आपको आपका स्टार्टर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो आपको तभी से पता चल पाएगा। अगर साथ में जो हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारा प्रतिरोध अधिक है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम कैसे उसको चेक करेंगे, आपको कनेक्शन सारे साफ करने पड़ेंगे, फिर आपको क्या नाम है रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने बताया था किस तरीके से आपको रेजिस्टेंस जो है वो आप पता कर पाएंगे कि हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा है या कम है, ठीक है। वो आप वोल्ट मीटर के थ्रू जो है वो चेक कर पाएंगे काफ़ी लो वोल्टेज पे, ठीक है। तो इसके अलावा जो कुछ और दिक्कतें आए हैं, स्टार्टर इंजन मान लीजिए दूसरा जो रीजन है, मान लीजिए स्टार्टर जो मोटर है इंजन को अत्यधिक धीरे स्टार्ट करता है ना, धीरे स्टार्ट करता है। ऑब्वियस सी बात है आपकी बैटरी जो है चार्ज तो होगी, निरावेशित नहीं होगी, चार्ज होगी, कम चार्ज होगी, ठीक है। रिक्वायर्ड करंट जो है वो जनरेट नहीं कर पा रही होगी, या स्टार्टर में कोई दिक्कत है तो स्टार्टर बदलें। अगर कहीं पे आपको कनेक्शन लग रहा है कि ढीले हैं या मे बी आपका हो सकता है कि वहाँ पे रस्टिंग वगैरह आ गई हो, तो आप उसको हटाइए। पिनियन और रिंग गियर आपस में मे बी जाम हो सकते हैं, उसको चेक करिए, ठीक है। ठीक है, वो अब देखिए क्या होता है, अगर इन केस पिनियन और रिंग गियर आपका जाम होगा तो अब वाहन जो आपकी व्हीकल थोड़ा सा आगे पीछे धक्का देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, उसके अलावा जो है इंजन ऑयल का जो आपकी विस्कोसिटी, इंजन ऑयल भी हो सकता है जाम आपका हो जाए, ठीक है, ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो वो भी दिक्कत करेगा। तो ये चीज़ें आप जो है देख के और शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टर जो है आपका फंक्शन कर रहा है, तीसरा काज स्टार्टर आपका फंक्शन कर रहा है लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका जो है जो पिनियन और आपका रिंग गियर है वो एंगेज ही ना हो पा रहा हो, एक केस ये हो सकता है। हो सकता है आपके स्टार्टर में जो है स्प्रिंग टूट गई हो, या स्लीप पे बनी जो चूड़ियां हैं वो काफ़ी गंदी हो गई हो, जाम हो गई हो उन चूड़ियों पे, तो उनको आप साफ करिए, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि रिंग गियर जो है वो आपका कट गया हो, जो उसके टीथ हैं वो कट गए हों। तो ये चीज़ें आप प्रॉबल केस हैं, इसको आप जो है वो देखेंगे और देख के पता लगाएंगे कि इसमें क्या क्या दिक्कत है। तो नेक्स्ट जो है हमारा, अगर आपका इंजन बहुत ज़्यादा स्टार्टर आपका बहुत ज़्यादा वॉइस कर रहा है, नॉइज कर रहा है, उस केस में आप देखेंगे क्या, उसमें आप देखेंगे कि हो सकता है कि आपका जो क्या नाम है कट गया हो पिनियन। पिनियन कट जाने से क्या होगा कि आपका बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट में दिक्कत आएगी, तो वॉइस आएगी, ठीक है, आपको वहाँ चेक करना होगा। या बियरिंग आपकी हो सकता है घिस गई हो, ठीक है, तो बाल्स जो है वो फूटने पे क्या भी तब भी उस केस में भी आपकी आवाज़ ज़्यादा आती है, ठीक है। या लुब्रिकेशन आपका, लुब्रिकेंट आपके सूख गए हों, या हो सकता है फ्लाई व्हील का जो अथवा पिनियन का जो दांत है वो टूट गया हो। तो ये सारे प्रॉब्लम केस हैं और यहाँ पे आपको उन चीज़ों को जो है रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और रेक्टिफाई करके जो भी रिक्वायर्ड कमी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसको हमें दूर करके और फिर चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। तो ये कुछ हमारे जो दिक्कतें हैं स्टार्टर को लेके वो हमारी हमने डिस्कस करी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा सर्विस ऑफ डायनेमो, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।